नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद जाएंगे, जहां वे तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे और निजाम की सेना और रजाकरों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। आज दिल्ली के चांदनी चौक में शॉपिंग फेस्टिवल का आगाज होगा। इसमें 700 मार्केट एसोसिएशन हिस्सा लेंगे, जहां चांदनी चौक शॉपिंग फेस्टिवल के नाम से फेमस यह शॉपिंग फेस्टिवल हर साल आयोजित होता है और इसमें ग्राहक जमकर खरीदारी करते हैं। वहीं इस मार्केट में सुई से लेकर तमाम तरह के चीजें उपलब्ध होते हैं, जिसे आप होलसेल रेट पर खरीद सकते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से प्रदेश के 4,75,000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। AIMIM आज हैदराबाद में तिरंगा बाइक रैली आयोजित कर रही है और एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करेगी। यह रैली दरगाह यूसुफेन नाम पल्ली से नवाजे जौहर के बाद शुरू होगी और दोपहर 1 बजे मसाब टैंक में हॉकी ग्राउंड ईदगाह बलाली पर समाप्त होगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शामिल होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट का मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूं। और जैसे ही आपके लाइक और कमेंट आते हैं, हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। आज है विश्वकर्मा पूजा, जहां आज के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है। विश्वकर्मा पूजा को एक ओर जहां पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर देश भर के कामगारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है। अब 5% ब्याज पर मिलेगा 1,00,000 रुपए तक का लोन। इसके साथ ही पीएम दिल्ली वालों को भी द्वारका सेक्टर 21 एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन और इंडिया कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी बड़े स्तर पर मनाने जा रही है, जहां आज से 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाएगी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके दर दर जाएगी। कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पहली बार CWC की बैठक हैदराबाद में हो रही है। 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। वहीं इस मीटिंग में तेलंगाना समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी और आज हैदराबाद में एक जनसभा में भी शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, जहां खबर है कि प्रियंका गांधी सहित राहुल गांधी भी इस सभा में आ सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आज 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आएंगे और पंचायत समिति रूपवास के खनुआ में स्थित विद्या भारती के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। आज है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, जिसे हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में रोगी सुरक्षा के महत्व पर जोर देना है और रोगी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने के लिए प्रेरित करना है। भोपाल में 47 खेल हस्तियों को सम्मानित कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों को अब कोई भी बाधा नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावितों को फ्री LPG किट और राशन देगी हिमाचल सरकार, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ऐलान। कश्मीर में उत्तरी सेना के कमांडर ने अनंतनाग मुठभेड़ स्थल पर आतंकियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा की, जहां सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को ग्राउंड कमांडर ने ऑपरेशनों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी। बता दें कि अनंतनाग जिले में पिछले 4 दिनों से मुठभेड़ चल रही है। कोलकाता नगर निगम में शनिवार को सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के 2 पार्षद आपस में उलझ गए। आलम यह हो गया कि तृणमूल और बीजेपी पार्षदों के बीच मारपीट और धक्का मुक्की हो गई, जहां बीच बचाव में दूसरे पार्षदों को आना पड़ा और कुछ देर के लिए सत्र को रोक दिया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिले का नाम बदल दिया गया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब छत्रपति संभाजी नगर और धारा शिव के नाम से जाना जाएगा ये दोनों शहर।
गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन यूनिवर्सिटी बिल पास हो गया। इसी के साथ राज्य की 11 यूनिवर्सिटी की कमान अब राज्य सरकार के हाथों में आ गई है। वडोदरा की महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी को छोड़कर सभी 11 यूनिवर्सिटी के कुलपति अब राज्यपाल होंगे, जहां अब इन यूनिवर्सिटियों में सिंडिकेट और सीनेट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान में बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन हिंदुओं के विरोध में काम कर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने तहसील बल्दी राया में हरी झंडी दिखाकर पोषण रैली को रवाना किया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्मियों और सहायिकाओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान स्टॉल में मोटे अनाज द्वारा निर्मित विभिन्न पोषण युक्त व्यंजनों के माध्यम से मोटे अनाज के प्रयोग तथा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने तथा उसके दैनिक रूप से उपयोग हेतु प्रेरित करने के लिए आम जनमानस को जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक बाइक सवार मनचले ने स्कूल से लौट रही युवती का दुपट्टा खींच लिया, जिस कारण वह सड़क पर गिर गई। इतने में पीछे से दूसरी बाइक आ रही थी, जो लड़की के सिर पर चढ़ गया और सिर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शनिवार को छात्रा से हुए इस छेड़खानी के मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ, तब जाकर हरकत में आई पुलिस डिपार्टमेंट और आरोपी सहवाज अरबाज पर मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश बाबू स्वार्थ कितना भी ऊपर हो जाए, तेल और पानी कभी एक साथ हो ही नहीं सकता। उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है, तेल पानी को ही गंदा करती है। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है, वह गठबंधन आपको भी डुबोने वाला है। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने किया सीएम भगवंत मान के दावों को खारिज। बोले, 1.5 साल के अंदर पंजाब में एक भी औद्योगिक यूनिट नहीं लगाए गए हैं। हरियाणा के जिंद में जन मिलन समारोह की तैयारी में जुटे हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अशोक अरोरा को सौंपी गई है संयोजक की जिम्मेदारी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम सहित मंदिर समिति के सभी प्रमुख मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज सुबह विशेष पूजा आयोजित करने का ऐलान किया है, जहाँ इस पूजा में प्रधानमंत्री के लंबी उम्र की कामना की जाएगी। झारखंड के धनबाद में चिकित्सकीय सेवा के लिए चलाई जा रही 108 एम्बुलेंस की लचर व्यवस्था ने मरीज की जान ले ली, जहां 108 एम्बुलेंस के खराब होने पर गर्भवती महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। इस घटना से धनबाद स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। G20 के चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग 18 और 19 सितंबर को आयोजित की जानी है। इसमें भाग लेने के लिए दुनिया भर से कई प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस मीटिंग में सभी प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ की सुंदर स्मृतियों के साथ छत्तीसगढ़ी संस्कृति की चिन्हारी तोहफे में दी जाएगी। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। उन लोगों से भी आग्रह है कि न्यूज़ को कमेंट कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।